हेलो लॉ लर्नर्स, सो आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ. ई कॉन्ट्रैक्ट ये न्यूली एडिट टॉपिक है, आपको अरविंद सिंह जैसी बुक्स में नहीं मिलेगा. सो हियर इज द कंटेंट, जितना भी आपको चाहिए एग्जाम्स के लिए. सो हमने सुना है ईमेल, ई मित्र, ऐसे वर्ड्स काफ़ी सुने हैं. वहाँ ई का मतलब क्या होता है? ई रिप्रेजेंट्स टू इलेक्ट्रॉनिक. तो ई कॉन्ट्रैक्ट में भी ई किसको रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रॉनिक को. ई कॉन्ट्रैक्ट फॉर एग्जाम्पल ई मेल है. ई मेल मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल. तो वो मेल जो हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से मिला है, दैट इज ई मेल. फाइन, वही कॉन्ट्रैक्ट जो हमें ई मेल से मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से मिला है, तो वो क्या हुआ? ई मेल होगा. अब इसे हमें लॉ लैंग्वेज में लिखना है. कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिफाइंड एज कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्ड बाई इंटरेक्शन ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल्स थ्रू द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. इट मीन्स कि जो भी दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है, सेम सारा प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं आगे पहले वाली वीडियोस में. अब वो क्या है? वही कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से हम अगर यूज करके करते हैं तो कैसा होगा? तो उसे हम क्या बोलेंगे? ई कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे. सिंपल, वेरी सिंपल. सो आज की दुनिया है डिजिटल दुनिया, ठीक है? तो कॉन्ट्रैक्ट टेक प्लेस वी आर डिजिटल मोड ऑफ कम्युनिकेशन. डिजिटल मोड ऑफ कम्युनिकेशन जैसे हम बात कर रहे हैं, आप वीडियो में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो क्या है? डिजिटल मोड ऑफ कम्युनिकेशन है. जैसे इंटरनेट के थ्रू, ई कॉमर्स के थ्रू, तो हम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट पीछे रहेगा क्या? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट इज एवरीवेयर. तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा डिजिटल मोड भी आ गया. फाइन, नेक्स्ट. अब क्या है? पार्टीज ऑफ द ई कॉन्ट्रैक्ट. पार्टीज कौन सी होंगी ई कॉन्ट्रैक्ट की? क्या आपको लगता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज थी वही पार्टीज इसमें ई कॉन्ट्रैक्ट में भी रहेंगी? तो लेट्स सी आप सही हैं या गलत. यस, आप सही हैं. एक बट उनका जो टर्म है, टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाती है. ओरिजिनेटर, ओरिजिनेटर जो स्टार्ट करता है, पर्सन बाय होम, जस्ट फोकस ऑन दिस वर्ड, बाय होम द ऑफर इज मेड और हु इनिशिएट्स द कॉन्ट्रैक्ट. जो भी कॉन्ट्रैक्ट को इनिशिएट करता है, जिसके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट किया जाता है, वो क्या है? क्या है? ओरिजिनेटर, ठीक है. फाइन, एड्रेसी. एड्रेसी क्या होता है? अ पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड टू और हु वन हु एक्सेप्ट्स द ऑफर इज ओरिजिनेटर. मींस ओरिजिनेटर है जिसने क्या किया? स्टार्ट किया, प्रपोज किया. प्रपोजर मींस एड्रेसी टू हुम जिससे किया गया, ठीक है. सो वो है, सेम रिलेशनशिप है. फाइन, तो आगे देखते हैं असेंशियल्स क्या है ई कॉन्ट्रैक्ट. ई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए क्या हमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत है? फॉर आर ह्यूमन सर्वाइवल हमें 3 से 4 चीज़ें चाहिए. कैसे? रोटी, कपड़ा, मकान, और अभी तो इंटरनेट भी चाहिए, मोबाइल भी चाहिए, एजुकेशन भी चाहिए. और भी हमारी, जैसे हम एक सिविलाइज नेशन में आते जा रहे हैं, सिविलाइज तरीके से जी रहे हैं, तब हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो बेसिक नहीं रह रही हैं, बहुत एडवांस हो रही हैं, ठीक है. सो सेम थिंग ई कॉन्ट्रैक्ट में भी कुछ ऐसे असेंशियल्स होते हैं. सो देर आर सम एसेंशियल्स. लिस्ट तो बहुत लंबी जाती है, बट दे आर मेन. तो टू और मोर पार्टीज होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए. खुद पे तो कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं रहोगे, सिंगल पर्सन नहीं सर्वाइव कर सकता, ठीक है. ऑफर जरूर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए उसकी, कंसिडरेशन होनी चाहिए, लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए. ये सब तो कॉन्ट्रैक्ट में भी था, है ना. अब इसमें क्या एक जो चीज आती है वो क्या है? ई सिग्नेचर्स. ई सिग्नेचर्स आते हैं. ई सिग्नेचर्स क्या होते हैं? डिजिटल फॉर्म में अब जब हम साइन करते हैं. सो नेक्स्ट, देयर मस्ट बी कंपाइलेंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस. जो भी लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, उनके साथ क्या कंपाइल करना चाहिए. ऐसे नहीं कि जो भी हमारी लॉज हैं या रेगुलेशन हैं उसके अगेंस्ट में जाके कोई काम करे, तो ये नहीं होगा. फाइन, कोई भी जो भी लॉ बनते हैं, सबॉर्डिनेट लॉ बनते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन को अगेंस्ट नहीं जा सकते, उसके ऑपोजिशन में नहीं जा सकते, ठीक है. फाइन, सो अब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस ई कॉन्ट्रैक्ट. अब हमने कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ लिया, ई कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ लिया, फिर में क्या डिफरेंस है? तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, 6 मार्क्स का, कभी 7 मार्क्स का, कभी 4 मार्क्स का. सो लेट्स प्रिपेयर फॉर दैट क्वेश्चन. तो इसमें क्या डिफरेंस है? ट्रेडिशनल साइन होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, और यहाँ पे ई कॉन्ट्रैक्ट में ई सिग्नेचर होते हैं. वेरी इजी, ड्राफ्टेड ऑन पेपर. कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट पेपर पे होता है और ये डिजिटली ड्राफ्ट होता है. हैवी ट्रांजेक्शन फी होती है. अब कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, वो बनाएंगे, पार्टीज को बुलाएंगे, चाय नाश्ता कराएंगे, इसमें भी पैसा लगेगा, पर जो ये ट्रांजेक्शन फीस है ना, वो भी ज़्यादा होती है. और आप ऑनलाइन यही काम कराएंगे, फॉर एग्जांपल आपने काफ़ी इंस्टीट्यूट में, अगर या यही आप कॉन्ट्रैक्ट का कोर्स करने किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो वो 1 लाख और एंड मोर ओवर दैट ले सकते हैं. लेकिन जब आप ऑनलाइन मोड में आते हैं, तो क्या है, जो फी है बहुत
बहुत कम ली जाती है. सो दैट्स अ थिंग. और तो ई में जब आप ऑनलाइन मीडियम में आ जाते हैं तो लो ट्रांजेक्शन फी होती है. नाउ अब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ई लेस सिक्योर, ठीक है, लेस सिक्योर है. और लेकिन जो हमारा ई कॉन्ट्रैक्ट है वो मोर सिक्योर है. फाइन, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो आपको कैप्चा दिखता होगा. हाँ, तो आपने देखा होगा कैप्चा कि कोई रोबोट है वो आपको एक्सेस नहीं कर सकता. फाइन, सो वो चीज़ें सिक्योरिटी के पर्पज के लिए ही की जाती हैं. पासवर्ड्स हैं, फिंगरप्रिंट्स हैं, दीज आर ऑल सिक्योर थिंग. लेकिन जो पेपर पे कॉन्ट्रैक्ट है वो कोई भी चोरी हो सकता है, जो लाइक टेंजिबल चीज़ को तो कोई चुरा भी सकता है. अब ई कॉन्ट्रैक्ट को कोई ऐसे हार्म नहीं कर सकता, तो दे आर मोर सिक्योर इन दिस वे. फाइन, सो आई होप आपको ये डिफरेंसेस याद रहेंगे. जस्ट यू हैव टू डू इज कि इसे थोड़ा अपने अकॉर्डिंग एक्सपेंड करके लिखना है, ठीक है. दीज आर सम बेसिक डिफरेंसेस. ओके, नाउ क्या है, व्हाट टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट, क्या टाइप्स होते हैं, क्या फॉर्म्स होती हैं ई कॉन्ट्रैक्ट. हमने तो अभी तक ई कॉन्ट्रैक्ट सुना था, अब इसके टाइप भी पढ़ने पड़ेंगे, फॉर्म्स भी पढ़ना पड़ेगा. सो एक क्वेश्चन आ सकता है. फाइन, सो लेट्स वर्क ऑन दिस. आपने इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन डील करते हुए देखेंगे कि इंस्टॉल करो, अलाउ करो, दिस ऐप विल एक्सेस योर मीडिया, दिस ऐप विल एक्सेस योर कॉन्ट्रैक्ट, तो कैमरा एक्सेस करेगा, तो वो सब देना ही पड़ता है एक्सेप्टेंस, नहीं तो उसकी ऐप नहीं चलती है. सो दैट्स द सेम थिंग. तो यहाँ भी हमें फॉर एग्जाम्पल क्लिक एक्सेप्ट, इफ यू एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ द प्रोसीडिंग लाइसेंस एग्रीमेंट इफ डिक्लाइन इज क्लिक्ड, सेटअप विल क्विट. समझ रहे हो, एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. एक मैंडेशन आ जाता है यहाँ पे, मैंडेटरी आ जाता है कि एक्सेप्ट करोगे तभी ये चला पाओगे, नहीं तो नहीं चला पाओगे. सो दैट्स अ थिंग. अब क्या है, इसी तरीके से क्या होता है, श्रिंक रैप एग्रीमेंट होता है. इस जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमने फीचर देखी, उसमें क्या है, ओपनिंग ऑफ प्रोडक्ट इज डीम्ड फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अगर आप ओपन करना चाहते हैं, इंस्टॉल करना चाहते हैं कोई ऐप, तो उसके लिए आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. दैट इज श्रिंक रैप. फाइन, श्रिंक रैप, या तो इसे कर दीजिए या वो श्रिंक हो जाएगा. फाइन, सो क्लिक रैप क्या होता है. नेक्स्ट क्या है कि दीज कंसेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स रिक्वायर यूजर्स कंसेंट फॉर एक्सेप्टिंग टर्म्स एंड कंडीशंस. टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के लिए यूजर्स की कंसेंट होना जरूरी है. दैट इज क्लिक रैप. फाइन, डू यू वॉन्ट टू इंस्टॉल दिस, यू हैव टू एग्री टू द टर्म एंड कंडीशन, तो वो क्या है, क्लिक रैप. सो दीज आर सम सिमिलर टाइप ऑफ. फाइन, ब्राउजर ऐप क्या होता है, ब्राउजर क्या है, क्लिक रैप की तरह ही होता है. इसमें क्या है, द डिफरेंस इज दैट द कॉन्ट्रैक्ट लीड्स टू लीड्स जस्ट अ सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट लीड्स यूजर्स टू न्यू पेज या डिफरेंट पेज टू रिक्वायर कंसेंट ऑफ यूजर. यूजर की कंसेंट लेने के लिए क्या होता है कि जो भी जो है ना कॉन्ट्रैक्ट, उसे न्यू पेज पे जाके छोड़ता है कि हाँ ब्राउजर पे ओपन होगा न्यू पेज. तो द सेम थिंग कि अगर ब्राउजर पे वो ओपन डिफरेंट पेज पे लेके जा रहा है तो उसे हम ब्राउजर ऐप बोलेंगे. फाइन, तो ये कैप्चा आपने देखा होगा, दिस इज फॉर कि आप कोई रोबोट एंटर ना कर पाए आपका फाइल, ठीक है. तो ये अलग अलग वर्ड्स में लिखा जाता है ताकि जो रोबोट है, और कई बार ना इसे क्रॉस भी किया जाता है, स्ट्राइक थ्रू किया जाता है, ताकि रोबोट जो है वो इतना नहीं है, इतना कैपेबल कि वो पहचान सके क्या सही है क्या नहीं. सो ये इसीलिए करवाया जाता है, वी थिंक ये टाइम पास है, तो इट्स नॉट टाइम पास. इसमें क्या है कि आपको अगर अकाउंट भी बनाना है तो एग्री करना पड़ेगा किसकी, माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज एग्रीमेंट एंड प्राइवेसी एंड कुकीज स्टेटमेंट को, तो करना ही पड़ेगा. सो दैट्स अ ट्रिक विच दैट इज श्रिंक रैप, क्योंकि करना ही पड़ेगा, नहीं तो करा ही नहीं सकते, तो नहीं तो खत्म हो जाएगा. गूगल अकाउंट के बिना फोन नहीं चलता, तो क्या हुआ, श्रिंक रैप. फाइन, नाउ इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज क्या कहता है, एक्सचेंज ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. अब आप डाटा एक्सचेंज कर रहे हैं बिजनेस डॉक्यूमेंट्स बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, तो दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज. फाइन, ईमेल क्या है, हमें जॉब ऑफर आया ईमेल से, दैट्स वेरी फेमस, सबसे ज्यादा प्रोफेशनल ईमेल को माना जाता है. तो आप इंटर्नशिप के लिए अगर अप्लाई करेंगे इन फ्यूचर, तो वो आपको रिक्वेस्ट भी, आपको क्या इन्विटेशन टू ऑफर भी भेजना पड़ेगा आपको मेल के थ्रू, ईमेल के थ्रू, एंड एक्सेप्टेंस भी उनका ईमेल के थ्रू आता है. दैट्स टुडेज वर्ड, अपना ई वर्ड, ठीक है. बट रियलिटी में क्या है,
रियल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड में काफ़ी डिफरेंस है. सो अपने आप को रियल वर्ल्ड से बचा के रहें, रियल वर्ल्ड में ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करें विद योर फैमिलीज, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू नो एनी अदर टाइप ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट और मे बी अगर ऐसा कुछ और नया टाइप आ जाता है तो वो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन ताकि हम अपडेट हो सके. फाइन. सो नेक्स्ट टॉपिक, द ज्यूरिस्डिक्शनल इशूज फेस्ड बाई ई कॉन्ट्रैक्ट. ई कॉन्ट्रैक्ट तो ऑनलाइन होते हैं, कोई स्टेट में नहीं होते, कोई जगह पे नहीं होते. फाइन. तो इसका कोई अगर इशू आया इसमें, कोई केस बन रहा है, तो उसकी ज्यूरिस्डिक्शन कहाँ होगा, कहाँ वो सुना जाएगा. तो ये सब इश्यूज हमें फेस किए जाते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अगर हम कुछ करते हैं. तो इसमें क्या है, बी अवेयर ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट लुक, इंटरनेट का वर्ड है इंटरनेशनल नेटवर्क. फाइन, ये हम मानते हैं कि दैट्स अ करेक्ट डेफिनेशन. लेकिन इसका एक और मतलब है कि इंटरनेट अंदर जो है ना, एज अ ह्यूमन हमारे जो अंदर है वो एक नेट बना देता है कि हम इसी में उलझ के रह जाते हैं. ठीक है, तो इससे बच के रहना है, इंटरनेट का सही तरीके से यूज करना है. सो अगर आप कुछ ना कुछ क्या है इन प्रॉब्लम्स से आ रहे हैं, इंटरनेट के ज़्यादा यूजर्स हैं, तो जस्ट यू नो नीड टू नो साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, कैसे होता है. तो हमारा सेम प्लेटफॉर्म एक कोर्स लेके आया है साइबर सिक्योरिटी पे. सो दिस इज द आइकन ऑफ दैट. सो यू कैन जस्ट विजिट थ्रू इट एंड यू कैन बाय इफ यू वॉन्ट. ओके, सो इट्स अ गुड कोर्स. आई हैव टू वॉच दिस कोर्स. ओके, सो ज्यूडिशियल ज्यूरिस्डिक्शन इशूज फेस्ड बाई ई कॉन्ट्रैक्ट. तो ज्यूरिस्डिक्शन जो भी इशूज हैं ई कॉन्ट्रैक्ट में कौन से आते हैं, तो लेट्स सी. डिटरमाइनिंग एप्लीकेबल लॉ. अब लॉ का नहीं पता कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा, इंडियन लॉ एप्लीकेबल होगा या फिर इंटरनेशनल होगा, कैसे हो. ठीक है, तो इसमें किया जाता है कि इंटरनेशनल लॉ ऑलमोस्ट इन द मोस्ट ऑफ द केसेस किया जाता है एप्लीकेबल. ठीक है, एंड ज्यूरिस्डिक्शनल डिस्प्यूट्स. अब डिस्प्यूट्स आते हैं, कहाँ होगा, दिल्ली में होगा, मुंबई में होगा. फॉर एग्जांपल, वन पार्टी इज फ्रॉम दिल्ली एंड सेकंड पार्टी इज फ्रॉम मुंबई. अब ऑनलाइन तो आ गए, ठीक है, ऑनलाइन ही तो हमारी दूरियाँ कम करती हैं और बाय द वे बढ़ा भी दी हैं, एंड यू नो इन विच वे. ठीक है, तो ज्यूरिस्डिक्शनल डिस्प्यूट्स, जो हमारे डिस्प्यूट्स राइज होते हैं कि कहाँ पर हमारे कोर्ट, कौन सी कोर्ट में होगा, तो दिल्ली में होगा, मुंबई में होगा, कहाँ होगा जो ये डिस्प्यूट सॉल्व, तो ये प्रॉब्लम इशू होती है. इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन जजमेंट. अब एक पर्सन जो पार्टी है वो फॉरेन की है, एक है यहाँ की, तो कौन सी फॉरेन जजमेंट का इन्फोर्समेंट होगा या इंडियन जजमेंट का, तो ये प्रॉब्लम आती है. रेगुलेटरी कंपेलेंस, तो जो भी है इसे रेगुलेट नहीं कर पाते हैं. ठीक है, अगर कोई फ्रॉड हो जाता है तो हम उसे नहीं यूजुअली कर पाते हैं. अब साइबर जो क्राइम है ना, इट्स वेरी डेंजरस. साइबर क्राइम से बचना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के टाइम में हमारा सब ऑनलाइन है, सब देर इज नो प्राइवेसी. प्राइवेसी इज अ मिथ लाइक डेमोक्रेसी. सो द सेम थिंग, जो भी हम अपना इंटरनेट पे डालते हैं, तो बी केयरफुल. और साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी हमें पता होना चाहिए. बी अवेयर ऑफ साइबर अटैक. सो द सेम थिंग, क्रॉस बॉर्डर डाटा ट्रांसफर्स होते हैं. तो क्रॉस बॉर्डर डाटा ट्रांसफर्स होते हैं, तो उसमें क्या है कि कई बार हमारा डाटा लीक हो जाता है, कोई और यूज़ कर देता है जिसे हम नहीं चाहते. लाइक फॉर एग्जांपल, हमारा जो एनिमी नेशन है, तो वो क्या है, वो यूज़ कर रहा है हमारा डाटा. तो इट्स वेरी वेरी डेंजरस फॉर आर सिक्योरिटी पर्पज, डिफेंस पर्पज. तो लैंग्वेज और कल्चरल डिफरेंसेस में आ जाते हैं. ठीक है, तो वो तो पूरा प्रॉपर इंग्लिश में चाह रहा है, लेकिन ई कॉन्ट्रैक्ट है तो इसका भी डिफरेंस आता है कि कोई इंग्लिश में बता रहा है या कोई चाइनीज में बता रहा है, तो क्या है, तो एक ट्रांसलेटर चाहिए. अब ट्रांसलेटर के कारण कुछ प्रॉब्लम आती है, तब भी प्रॉब्लम है. तो ये दीज आर द इश्यूज जो ई कॉन्ट्रैक्ट में हम फेस करते हैं. नेक्स्ट, सो नेक्स्ट टॉपिक खत्म हुआ. बहुत छोटा सा टॉपिक था, क्यों था, एंड आई होप आपने अपने नोट्स बना लिए. नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अगर आपको चाहिए नोट इन द लीगल प्रोफेशन, सो यू हैव टू मेक नोट्स. फाइन, बहुत सुंदर से, बहुत शॉर्ट में अच्छे से नोट्स बना के रखिए. थैंक यू सो मच. ऐसे ही हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, और साइनिंग ऑफ. बाय बाय आरती. थैंक यू.